स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो सुबह सुबह भी आ गया हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आज कल की तरह ही बादल भी लगा हुआ है और एक दो बारिश भी हो रहा है। तो आज मॉर्निंग वॉक के साथ थोड़ा सा काम है, तो अभी चलते हैं। बुनी पड़ रहा है, बादल लगा हुआ है, एक दो बुनी पड़ रहा है, बारिश हो सही। पिताजी भी चल रहे हैं, थोड़ा जनेरा लाना है काट के, जलावन है, जामुन पंगा हुआ वो लाना है, लेकिन अभी बुनी पड़ रहा है तो देखते हैं। दोस्तों अभी मैं लकड़ी लेकर के चल रहा हूँ और लकड़ी था पतला पतला सब, तो पिताजी कल ढो लिए, और ये मोटा मोटा है, भारी था तो ये रह गया था इतना। तो अभी चलते हैं लेकर के, और पिताजी अभी रह गए हैं वो सामने पीछे बैक में, वो दिख रहा है झंखार पेड़ पौधा, वहीं पे जनेरा है तो जनेरा काटने लगे हैं। और मोबाइल का बटन ही काम नहीं कर रहा था, पानी पड़ गया था ना स्क्रीन पर, इसके लिए वहाँ पर कैमरा ही चालू नहीं हो रहा था, तो जल्दी से उठा के चल दिए। अभी पहुँच के चालू किया कैमरा तो हो गया, और अभी बारिश थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, बुनी पड़ रहा है, तेज बुनी पड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रहा लेकिन बुनी जो है ना तेज पड़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा शर्ट गीला हो गया है, अभी भी बुनी पड़ ही रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, तो यही रास्ता है दोस्तों खेत वाला, आरी वाला, देख सकते हैं इधर मुखी है और इधर जो है ना मूंग का खेती है। और दोस्तों फिर बारिश तेज होने लगा क्योंकि छूट गया था, भारी है लकड़ी, चलते हैं जल्दी से लेकर के, और बारिश भी हो रहा है। तो दोस्तों बारिश अभी तेज होने लगा है, देख सकते हैं पानी लग गया थोड़ा थोड़ा, यहीं पे रखते हैं। और कल जो है ना यही ढोया हुआ था, तो इसको कहाँ पे रखते हैं, यहीं पे रख दिए। तो चलिए दोस्तों अभी आ गए, और अभी बारिश थोड़ा करके देख सकते गीला कर दिया है जमीन को। अभी चलते हैं कपड़ा को सरिया लेते हैं, अभी लाइट कटा हुआ है, अभी देख सकते हैं अंदर में अंधेरा है, तो देख सकते हैं चलते हैं सरिया लेते हैं इसको, और झोला भी सरियाना है, गमछा भी, सबको सीधा से सरियाना है, तो सबको सरिया लेते हैं। अभी तो बारिश हो रहा है लेकिन बारिश होगा नहीं, ऐसा ही बुनी पड़ रहा है, तो चलते हैं सबको सरिया। तो दोस्तों टाइम अभी 7 बजने वाला है, और अभी डायरेक्ट वहाँ ही सरिया रहे हैं इस वाले में का, और देख सकते हैं अभी बंडी उंडी सरिया रहे हैं, गमछा उमछा सरियाने का है, झोला वही सरियाने का है, लेकिन टाइम सवा सात हो रहा है लेकिन बारिश तेज हो रहा है। दिखाते हैं बाहर का भी, इस तरह का मौसम हो गया है, तो आ जाए ना आज बारिश का मौसम है, तो चलिए अभी सरिया लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली सारे माल को सरिया लिया, देख सकते हैं गमछा भी इधर हो गया है, और झोला भी हो गया, और इधर कैरेट भी हो गया, सारा रेडी हो चुका है, और इतना माल बच गया है, देख सकते हैं गमछा 3 चौका है बचा हुआ, नहीं तो सारा लगा लिया इसमें, इसमें 33 पीस है नहाए। तो चलते हैं दोस्तों स्नान स्नान बरस वस करके कर लेते हैं, और बुनी अब तो भी पड़ी रहा है, अभी बादल पूरी तरह से भी लगा हुआ है, देख सकते हैं एक दो फुन फुन आ रहा है, नहीं तो बादल लगा हुआ है, अभी चलते हैं स्नान करने में। खाना भी बन चुका है, तो अभी आ गया छत पे, और अभी चलते हैं बरस कर लेते हैं, इधर रखा हुआ है बरस जीबिया से, तो करते हैं। अब पानी भी लाया हूँ बाल्टी में, क्योंकि अभी लाइट कटा हुआ है, पानी में लाया है, एक बाल्टी भरा हुआ है, इससे स्नान हो जाना चाहिए, तो चलते हैं ऊपर ही स्नान कर लेते हैं ब्रश करके। फाइनली दोस्तों अभी स्नान स्नान मैं कर लिया, अभी लाइट कटा हुआ है, ऐसे ही बाल्टी से स्नान करना पड़ा है, बाल्टी से पानी भर के। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, तो खाना भी आ गया है, देख सकते हैं नींबू, कहाँ नींबू, ये तो ठीक है दोस्तों, खाते हैं, चावल है, दाल है, सब्जी है, और तिलौरी है चावल का,
खाते हैं। सर्वन लाया है खाना, देख सकते हैं इधर है, तो खाना खाते हैं। फाइनली दोस्तों अभी खाना ना खा लिया और अभी चलना है फेरी में, लेकिन देख सकते हैं आज का मौसम कैसा है, पूरा अंधेरा किया हुआ है, चारों ओर से बादल लगा हुआ है और सुबह से ही बूनी पड़ रहे हैं, तो आज नहीं जाएंगे, देखते हैं धूप होगा 12 बजे से तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो चलते हैं तब तक बुक रीड कर आ गया नीचे। और दोस्तों देख सकते हैं ये सारे हमारा किताब है, देख सकते हैं। तो आज कौन सा किताब पढ़ेंगे, आज है ना एक निकाला हुआ हूँ इधर, देख सकते हैं ये वाला किताब पढ़ेंगे, तो चलते हैं दोस्तों पढ़ते हैं। और दोस्तों किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ने से दोस्तों नॉलेज मिलता है, अच्छे अच्छे जानकारी मिलता है, कुछ नए जानकारी मिलता है और साथ ही साथ काम करने का हौसला मिलता है, जीने की अच्छी राह मिलता है, शिक्षा मिलती है किताब पढ़ने से, और बुद्धिमान तो होते ही है, साथ में हर चीज़ के बारे में जानकारी भी हो जाता है, इसलिए किताब पढ़ना ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी यही कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जब समय मिले तब पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो हर चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगा, जिसके वजह से आप कहीं से बेवकूफ नहीं बन पाएंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो इसके लिए जो है ना, और सेल्फ हेल्प में भी बहुत मदद मिलता है, तो इसके लिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो समय निकाल कर पढ़ना चाहिए, कितना भी काम कर रहे हैं, कितना भी बिजी है, फिर भी थोड़ा सा भी दिन का 10 मिनट 15 मिनट भी कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए किताब प्रतिदिन, तो अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जो फीलिंग होता है वो मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होता है और अच्छी अच्छी जानकारी मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि काम करने को बहुत ही अच्छा मन करता है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, किताब पढ़ते हैं।